माय सेल्फ प्रवीण जैन, आप सबका वेलकम करते हैं आज की हमारी इस वीकली सीरीज के सेशन टू में। आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये हमारा वेट मैनेजमेंट, हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग एक वीकली सीरीज है जिसके अंदर हम लोग हेल्थ के बारे में बातचीत करते हैं, और इसके साथ साथ कुछ और अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट वीक बात की थी कि छह पिलर्स क्या होते हैं हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग के। आज हम दोस्तों बात करेंगे, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हेल्दी वेट अचीव करना और हेल्दी लिविंग को मेंटेन करना, जिससे कि हम एक डिजीज फ्री लाइफ को लीड कर सकें, हम लोग हेल्दी लाइफ को लीड कर सकें। वो सब चीजें हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गट हेल्थ। मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, मैं चाहूंगा कि सब लोग मेरे साथ बने रहें अगले 20 मिनट के लिए, और उसके बाद में हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के बारे में आप जानती हैं कि हमारी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू, और ऑफलाइन बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो जिसने आपको इनवाइट किया है उस हेल्थ बडी के साथ मिलकर आप इनकी ऑफलाइन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये जो प्रेजेंटेशन है ये आज हमारी गट हेल्थ को लेके है, इससे बहुत सारी चीजें हम सीख पाएंगे क्यों हमारी गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नो योर गट, राइट? तो दोस्तों ये हमने लास्ट वीक में एक स्लाइड शेयर की थी। आप सबको पता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इस तरह से उसका एनाटॉमी होता है। सलाइवरी ग्रेन्स जो हमारे माउथ में होती है, मुंह में होती है, वहां से हम लोग खाना खाने के बाद जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो जाके रेक्टम तक जाके फिनिश होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ईसोफेगस, जिसको हम हिंदी में भोजन नली कहते हैं, वहां से हमारा खाना नीचे उतरता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में एसिड होता है जो कि उस खाने को डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको डाइजेस्ट करने का हेल्प करता है, शुरू करता है। वहां से लीवर जो होते हैं वो बहुत सारे अपने सीक्रेशंस देते हैं उस वजह से, और इंसुलिन जो पेंक्रिया से रिलीज होता है वो हमारे खाने के अंदर जो शुगर होता है उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। लीवर हमारे फैट मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है, और इस तरह से अल्टीमेटली जो भोजन है वो शरीर के लिए उपयोगी बन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फैक्ट है वो ये है कि दोस्तों 6 फीट के आदमी के अंदर 22 फीट का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। नाम में बहुत स्मॉल है लेकिन बहुत लॉन्ग होता है, और इसको जब ओपन किया जाता है तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन सरफेस है वो लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया होता है जहां पे हम लोग जो खाना खाते हैं वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद में जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम तक पहुंचता है, और वहां से हम लोग उसको बाहर एक्सक्रीट करते हैं, राइट? तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर, इसको हम लोग बेसिकली गट बोलते हैं, और ये जो गट है इसके अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। अब ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं इनको बोलते हैं बैक्टीरियोडिट्स, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलते हैं फर्मिक्यूट्स, राइट? तो ये हम सबके बॉडी में होते हैं, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारी गट का, जिसको समझ के हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसे हम हेल्दी वेट, हेल्दी लिव अचीव करेंगे। हम इनको समझ सकते हैं गुड और बैड को, गुड गाइज एंड बैड गाइज। देखिए हमेशा आप कहीं भी नियम बनाइए, ये दोनों लोग साथ नहीं रह सकते। जब गुड बैक्टीरिया हमारी गट में एक्यूमुलेट होते हैं तो बैड बैक्टीरिया अपने आप कम हो जाते हैं, और जब बैड बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होने शुरू होते हैं तो गुड बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाते हैं। इस तरह से हमारे जो इंटेस्टाइन की जो गट है उसका एक फ्लोरा सेट होता है, और वही डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी, हम आगे कैसा स्वास्थ्य को अचीव करेंगे। हेल्दी गट वर्सेस ओबेस डिजीज गट। देखिए जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे गट के अंदर गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं तो हमारी जो गट हेल्थ होती है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, और हम लोग काफी अच्छा हेल्थ अपने आप में हेल्दी फील करते हैं। लेकिन अगर हमारी बैक्टीरिया जो होते हैं वो नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि बैड बैक्टीरिया अगर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो गुड बैक्टीरिया है, जो गुड गाइज है, वो वेट लॉस करने में या वेट मेंटेन करने में हमें हेल्प करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो हमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं वेट गेन करने में, राइट? वेट लॉस, वेट गेन, सिंपल, गुड गाइज बैड गाइज। अगर हमारे पास में नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए बॉडी के अंदर
तो ये वेट गेन करने का कारण बनेंगे। और अगर अच्छे बैक्टीरिया हम लोग बॉडी में इकट्ठे करेंगे या मेंटेन करेंगे तो हमारे वेट लॉस जर्नी को बहुत अच्छे से इजी कर देंगे, हेल्दी कर देंगे। ये जो गट हेल्थ है दोस्तों, ये हमारी सभी तरह की हेल्थ की फाउंडेशन है। यानी कि कहते हैं ना कि कहावत है कि शरीर की सारी व्याधि बीमारियां जो हैं वो पेट से जनरेट होती है। तो अगर हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी है तो हम अल्टीमेटली एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए फाउंडेशन ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ कहा जाता है गट हेल्थ को। गट की अपनी एक बायोलॉजिकल रिदम है, राइट? इसको मतलब इस जब ये रिदम डिस्टर्ब होता है तो हमारी बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है वो डिस्टर्ब होती है, और उस वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। इसीलिए गट हेल्थ की रिदम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमारी जो गट है उसकी वजह से हमारी बॉडी के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको सबको नरिशमेंट पहुंचता है। तो नरिशमेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसलिए गट हेल्थ को रखना सही रखना बहुत जरूरी है। गट ब्रेन एक्सिस, ये हम सब ने महसूस किया होगा। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पेट सही नहीं होता है, जब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होता है, बैड बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठे होते हैं, तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, और उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस और मूड है वो भी डिस्टर्ब होता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। कई बार हम अपसेट होते हैं, हमारा मूड खराब होता है, हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से हमारे इन्फ्लेमेशन बॉडी में डेवलप होता है, और उसकी वजह से हमारी बैक्टीरियल जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह से ये गट ब्रेन एक्सिस, कहते हैं कि हमारे दिमाग का और हमारे पेट का आपस में कनेक्शन है, तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। गट ब्रेन एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जब गट रीसेट की बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें हेल्दी होना है तो हमने बात की थी लास्ट मीटिंग में कि फर्स्ट स्टेप टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ। तो फर्स्ट पहला स्टेप क्या है, तो अगर आपने अपना असेसमेंट पूरा कर लिया है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई मेडिकल असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जरूरत है, तो वो भी अगर आपने कर लिया है, तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और जर्नी का पहला स्टेप है कि हमें अपनी गट को रीसेट करना है। यानी कि अगर हमें हेल्दी होना है तो सबसे पहले समझना होगा कि मेरी गट का स्टेटस क्या है। पिछली बार हमने बात किया था अनहेल्दी गट वर्सेज हेल्दी गट में क्या डिफरेंस है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अगर आपको लगता है कि आपकी गट में कुछ इश्यूज हैं, पेट संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, ब्लोटिंग होता है, गैस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, स्टूल कंसिस्टेंट नहीं है, या और भी कुछ पेट संबंधी तकलीफ है, तो इसका मतलब हम लोग एक अनहेल्दी गेट गट को कैरी कर रहे हैं। उसको सही करने का सबसे पहला स्टेप है अपने गट को रीसेट किया जाए। अब गट को रीसेट करने के लिए कम से कम 7 से 10 दिन का समय चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उसको पूरी तरह से बॉडी से एक्सपेल होने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। ये बताया गया है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की वजह की तरफ से बताया गया है कि 5 दिन लगते हैं एक बार कोई खाना खाया उसको पूरी तरह से बॉडी से एक्सपेल करने में, और एक वीक का समय लगता है बॉडी को अच्छी तरह से डिटॉक्स होने में। इन सब चीजों को देखते हुए ये माना गया है कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन तक लगातार अपनी गट पे फोकस करता है तो गट हेल्थ उसकी बहुत अच्छे से इंप्रूव की जा सकती है। क्या करना है, तो यहाँ पे बताया गया है 4 R, 4 R ऑफ गट रीसेट। सबसे पहला है रिमूव एंड रिप्लेस, यानी कि जितनी भी हमारी अनवांटेड फूड जो हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, या जो हमारी नेगेटिव फूड हैबिट्स हैं, उनको रिमूव करना है अपनी लाइफ से, और उनको रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन से। ये जब रिप्लेस करेंगे तो जो हम पॉजिटिव डाइट जब लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा गट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगा हमारी गट में, और उससे बैक्टीरिया डेवलप हो पाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद में अगले 2 R हैं रीबैलेंस एंड रीसेट। तो जो हमारे गट का जो माइक्रोबायोम है उसको हमें रीबैलेंस करना है। उसके लिए हमें फाइबर रिच फूड और प्रोबायोटिक्स हमें अपनी डाइट में ऐड करने हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, और हम ओवरऑल हेल्थ को अच्छे से अचीव करते हैं, एक दिशा शुरू हो जाती है। रीसेट, तो जब हम अपनी सब चीजें करते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसके अंदर जब प्लांट प्रोटीन बहुत अच्छे से जाता है, जब हम उसके अंदर फंक्शनल फूड को ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी गट पूरी वो रिपेयर हो जाती है और रीसेट हो जाती है, और हम एक अगले स्टेप पे पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। 4 चीजें हमको करनी है इस गट रीसेट फेज में। सबसे पहला है सप्लीमेंटेशन, यानी कि हमने पिछली बार बात किया था, अगर आपको ध्यान हो, तो हमारी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन का अभाव है।
एक न्यूट्रिएंट का गैप है। हम लोग खाना तो पूरा खा लेते हैं लेकिन जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो हमें क्या करना होता है, नेचुरल सप्लीमेंटेशन के थ्रू उसको हमें कंप्लीट करना, उस गैप को पूरा करना होता है। और दूसरा, हेल्दी हैबिट की प्रैक्टिस हमें डेवलप करनी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, ये सब कुछ हमें अपने कोच से जानकारी लेते हुए, डिस्कस करते हुए इसको अचीव करना है, हेल्दी हैबिट को डेवलप करना है। एक्सरसाइज के अंदर हमें इन्वॉल्व होना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसलिए नेगेटिव गट हेल्थ हमारी होती है क्योंकि हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते। तो अपने दिन के बहुत बिजी शेड्यूल में से एक समय ऐसा निकालिए जहां पे आप अच्छी तरह से माइंडफुली एक्सरसाइज कर सकें, वो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट हमारी गट हेल्थ पे आता है। लाइफस्टाइल के फैक्टर हैं स्लीप मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत बड़े फैक्टर है जो कि हमारी गट को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेसफुल व्यक्ति कभी भी हेल्दी गट उसकी नहीं हो सकती है, और जिसका स्लीप टाइम सही नहीं है, स्लीप मैनेजमेंट सही नहीं है, दिन में सोना और रात को बहुत देर तक जगना, ये भी गट को अपसेट करने में बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों, ये चार ऐसे एरिया हैं जहां पे हमें काम करते हुए अपनी गट को रीसेट करना। हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, देखिए बहुत ज्यादा हमें फाइबर रिच फूड अपनी डाइट में ऐड करना है, जैसे कि होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड्स। बहुत अच्छी गट बैक्टीरिया डेवलप होते हैं फर्मेंटेड फ्रूट्स की वजह से। हेल्दी फैट्स हमें लेने हैं। स्पाइसेस यानी कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो मसाले जो बताए गए हैं उनको अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी औषधि के रूप में, रेमेडी के रूप में वो काम करते हैं। कुकिंग प्रैक्टिस जो हमारी है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, हमें हेल्दी कुकिंग प्रैक्टिस डेवलप करनी है। उसके लिए हम लोग कई सारे कुकिंग मेथड्स हैं उसको यूज कर सकते हैं, स्टीमिंग, बॉइलिंग, बेकिंग, उन सब चीजों करते हुए हमने न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है खाने की उसको बचा सकते हैं। और ये कुछ स्पेशल यूटेंसिल्स अवेलेबल हैं जो आप कोच आपको इनके बारे में बताएंगे जो आपको हेल्दी कुकिंग में हेल्प करें। सोकिंग, जब भी कभी आप कोई फाइबर रिच फूड खाते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो कि हार्ड होता है, तो उसको सोक करने से, स्प्राउट करने से उसके अंदर जो होता है वो प्लांट फाइबर जो होता है वो डाइजेस्टेबल लेवल पे आ जाता है और वो बॉडी उसको अच्छे से एक्सेप्ट करती है, एब्जॉर्प्शन उसका बहुत अच्छे से हो जाता है। हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग हरी रहते, बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे खाना। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ेगी और हम लोग अपने खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करने की शुरुआत अपने आप से कर सकेंगे, राइट। कुछ डिस्ट्रेक्शंस होते हैं हमारे खाने के अंदर, कई बार हम लोग टीवी मोबाइल का यूज करते हैं, कंप्यूटर पे सामने बैठे होते हैं और खाना खाते हैं, तो माइंडफुल ईटिंग करनी है, डिस्ट्रेक्शन को मिनिमाइज करना है, बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करनी जब हम खाना खाते हैं, पूरा फोकस हमारा भोजन पे होना चाहिए। कुछ यहाँ पे टिप्स दे रखे हैं कि क्या करना है कि जब जब भी आप कोई बाइट लें, पूरी बाइट लेने के बाद पूरा स्पून नीचे रखें प्लेट में और उसके बाद दोबारा खाएं, उससे भी आपका स्लो पैटर्न डेवलप होता है खाना खाने का। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग एक चम्मच मुंह में रखते हैं और तुरंत दूसरी भर लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है गट हेल्थ के लिए, वो अच्छी बात नहीं। प्लेट में लेने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको कम से कम पोर्शन लेना है, उसकी वजह से क्या होगा, हम सही तरीके से खाना खा रहे हैं। कॉन्शियस ईटिंग करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि जो मिला वो खा लिया, ऐसा नहीं, कॉन्शियसली ईट करना है कि क्या मेरी सेहत के लिए सही है लॉन्ग टर्म पे। हो सकता है कि आज मैं टेस्ट कॉन्शियसनेस की वजह से कुछ ऐसा खा रहा हूं जो टेस्टी तो है लेकिन हेल्दी नहीं है, तो हमें कॉन्शियस ईटिंग डेवलप करनी चाहिए। हमें एक नियम बनाना चाहिए कि हमको रात को सोने से 2 घंटे पहले सभी तरह का खाना पीना बंद करना है। उस वजह से क्या होगा कि हम काफी अच्छा हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे, हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति रात को सोने से पहले मेडिटेशन करता है तो उसकी गट हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, उसकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे कुछ टिप दे रखे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स जो होते हैं उसको 1 घंटे पहले कम से कम अपने से दूर कर लीजिए, स्पेशली मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी वगैरह, इनको दूर कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो हमेशा एक नियम बनाइए कि रात को सोने से पहले एक वार्म शॉवर आप लेके सोएंगे, और नीम की गोलियां या सेडेटिव्स जो होते हैं उससे अधिक से अधिक बचने की कोशिश कीजिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कहते हैं कि हम लोग हेल्दी तरीके से आपको नींद लाने में हेल्प करेंगे, आजकल नया कल्चर है, उससे हमें बचने की जरूरत है क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे ब्रेन पे और हमारी गट पे नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। हाइड्रेशन, कई बार क्या होता है कि हम लोग काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। यहाँ पे हालांकि 2 लीटर का ही यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिया, लेकिन मैं कहूंगा कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप डेली कंज्यूम कीजिए, और वो भी ऐसा नहीं कि एक साथ पी लिया। कई बार लोग सुबह सुबह बहुत सारा पानी पीते हैं फिर दिन भर पानी ही नहीं पीते, ऐसा नहीं करना है, हमको रेगुलर बेसिस पे एक सेट पैटर्न में हाइड्रेशन बॉडी को देना चाहिए।
उसकी वजह से क्या होगा, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स प्रॉपर बाहर निकलते रहेंगे, वेस्ट हमारा बाहर निकलता रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर होता रहेगा, ब्लोटिंग और दूसरे डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे अगर हम पानी सही मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं। और कब पानी कब पीना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके कोच आपको बताएंगे। सभी दूसरे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में भी हमारा पानी बहुत हेल्प करता है। अब इसके बाद में दोस्तों गट फ्रेंडली फूड में आता है सबसे बड़ा रोल फाइबर का। तो मैं सजेस्ट करूंगा, फाइबर को समझना बहुत जरूरी है। फाइबर के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट फॉरगेटेबल न्यूट्रिएंट है, मतलब हमारे खाने के अंदर से इसको भुला दिया गया ऐसा न्यूट्रिएंट है। फाइबर दो तरह के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। जो इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं वो हमारी बल्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्टूल पास होने में हमें काफी कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं, हमारे ओवरऑल गट हेल्थ को मेंटेन करने में काफी हेल्प करते हैं। और जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं ये हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हमें सटाइटी फीलिंग देते हैं, यानी कि जो जो लोग वेट लॉस की जर्नी पे हैं या वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनको फाइबर डाइट बढ़ानी चाहिए। उसके बाद में जो गट हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं उन्हें फाइबर डाइट बढ़ानी चाहिए। फाइबर्स ये जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं ये हमारे ओवरऑल जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको डेवलप होने में भी हेल्प करते हैं। अगर किसी का अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे लग रहा है। ओके ये दोस्तों सप्लीमेंटेशन के अंदर हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर फाइबर की मात्रा प्रॉपर करना चाहते हैं तो न्यूट्रलाइट ब्रांड का फाइबर बहुत इफेक्टिव है। इसको आप अपने कोच के थ्रू बात करके परचेज कर सकते हैं। ये न्यूट्रलाइट ब्रांड का जो फाइबर है ये तीन तरह के फाइबर इसके अंदर मिले हुए हैं, इनुलिन जो कि चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट से है, पार्सली हाइड्रोलाइज ग्वार गम है जो कि बहुत अच्छा लेक्सेशन में और बाकी चीजों में हेल्प करेगा, और रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन है जो कि आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को इंप्रूव करने में, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया डेवलप करने में हेल्प करेगा। इस तरह से एक फाइबर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट अगर कोई अवेलेबल है आज की डेट में तो ये न्यूट्रलाइट फाइबर बहुत अच्छा है। हम इसको पर्सनली रिकमेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, आप चाहें तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। जब आप माइंडफुली पूरे दिन की एक्टिविटी करते हैं और आप जब अच्छे से मेडिटेशन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी गट हेल्थ तो इंप्रूव होगी होगी, साथ साथ आपकी बॉडी का जो नेचुरल रिदम है वो भी वापस आएगा और आप ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। कैसे हम मानेंगे कि हमारी गट हेल्थ अच्छी हो गई है? तो देखिए जिनकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है उनके बॉडी में गुड और बैड बैक्टीरिया का जो रेशियो होता है वो 85% और 15% होता है। लेकिन मतलब जिस दिन आपकी बॉडी के अंदर 85% गुड बैक्टीरिया होंगे वो आपकी हेल्दी गट कहलाएगी, और उसमें आपके जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, स्किन ग्लोइंग इन ग्लोइंग स्किन, इम्यूनिटी, मूड, स्ट्रेस, स्लीप, ये सारे एरिया जो है वहां पे आप इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। वेट, डाइजेशन, मेटाबोलिज्म, एनर्जी, क्रेविंग, सब चीजों में आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है। लास्ट स्लाइड पे हैं दोस्तों, सब चीज समरी है कि आज से 10 दिन में आप लोग कमिटमेंट करेंगे, अभी हम लोग जब बातचीत करेंगे तो ये चीजें हैं इन्हें हमें रिमूव करना है अपनी लाइफ से अगले 10 दिन कम से कम, अगर आप अपनी गट को रिसेट करना चाहते हैं। बहुत सारा बता चुके हैं रिफाइंड शुगर के बारे में, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे शुगरी ड्रिंक हैं, शुगरी फूड प्रोडक्ट मिलते हैं जहां पे हिडन शुगर होता है, उसको आप अवॉइड करना समझते हुए सीखें, अवॉइड करना स्टार्ट करें। जंक फूड को कंप्लीटली अवॉइड करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि इनके बहुत हार्श इफेक्ट हैं हमारी बॉडी पे। अभी हमें नहीं पता लगता है, हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए स्मोक और अल्कोहल को यूज करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा नुकसान हमारे लीवर को और बाकी ओवरऑल हेल्थ को करते हैं, गट हेल्थ को तो बहुत नुकसान करते हैं। स्पाइसी फूड कई बार लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो नहीं करना है। कैफीन को अगले 10 दिन तक बिल्कुल अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड जहां तक हो सके हमें बचना है, बचना ही है इनफैक्ट। और कैलोरी डेंस फूड वो फूड होते हैं जो कि एक्चुअल में हमें कैलोरी तो देते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट उनमें बिल्कुल नहीं होता है, उससे भी हमें बचना है। एनिमल बेस्ड फूड यानी कि किसी भी तरह के नॉनवेज को कंज्यूम नहीं करना है, और डेयरी प्रोडक्ट को भी हमें अगले 10 दिन के लिए नो कहना है, और अपना स्क्रीन टाइम जो है उसको सही तरीके से वॉच करना है, और कम से कम सोने से 1 घंटा पहले हमें अपनी स्क्रीन को अवॉइड करना है, राइट? तो ये सारे डोंट्स हैं, अगर आप इन डोंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। अब आपकी बारी है दोस्तों, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चैट में आप लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो।
नहीं तो जिसने आपको इनवाइट किया उस कोच के साथ मिलके आप बातचीत कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हाउ एंड वेन टू स्टार्ट, दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई फिटनेस गोल है, यानी कि मुझे कोई फिटनेस गोल अचीव करना है, चाहे वो वेट मैनेजमेंट है, चाहे वो डिजीज मैनेजमेंट है, चाहे वो गट हेल्थ को आपको करना है, रीसेट करना है, कोई भी आपका गोल है, आपका गोल बनता है सेशन को अटेंड करने के बाद में, तो जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया उनके साथ मिलकर आप प्लान कर सकते हैं कि मुझे कब और कैसे स्टार्ट करना है, राइट। कौन आपका कोच रहेगा? तो जिसने आपको इनवाइट किया वो कोच रहेगा, या फिर अगर वो अभी लर्निंग मोड में है तो उनके जो कोच हैं वो आपके कोच रहेंगे।